बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काला रब्बी शराहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दता मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अस्सलामु अलैकुम जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं अली हैदर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ आपके अपने चैनल ली मोटर्स पर, और आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली सारी की सारी वीडियो आपको मिलती रहे। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 03475625697। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, स्क्रीन पे नंबर भी चल रहा होगा 03475625697। इसके अलावा आपको किसी भी किस्म की पार्ट्स की क्यूरी हो जापानीज या पाकिस्तानी कार के हवाले से तो आप रब्ता कर सकते हैं 03475625697 पर। और आज एक दफा फिर हमारे साथ मौजूद हैं सर आमिर। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र अली भाई, अल्लाह का बड़ा। आप सुनाइए, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत दिनों के बाद आज आपने जो है वो तशरीफ आवरी की है वीडियो के अंदर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। सर आज हम कौन सी वीडियो करेंगे? करेंगे सुजुकी एवरी की। ये सुजुकी एवरी ब्रांड है और ये फुल ऑप्शन गाड़ी है। सही है, ये 2014 मॉडल है। सही, 2020 की इंपोर्ट है। सही, व्हाइट शेप में गाड़ी है। सही, व्हाइट शक्ल की, व्हाइट कलर में। सही, तो इसमें इसको हम फुल ऑप्शन गाड़ी भी बोलते हैं और आम जनरल में जो पब्लिक है वो इसको टर्बो इंजन वाली गाड़ी भी बोलती है। ठीक है, टर्बो आम सादी गाड़ी से या पीसी या पीए गाड़ी से इसमें ऑप्शंस काफी बेहतर होते हैं। सही, ये फुल, इसको फुल ऑप्शन गाड़ी भी कहते हैं। सही, टर्बो इंजन वाली गाड़ी भी कहते हैं। सही है, तो इसमें ये है कि इसमें टर्बो इंजन है सादी गाड़ी से, जिन चीजों का ये डिफरेंस है इसमें टर्बो इंजन है। सही, इसमें 2 मीटर है। सही, और उसके साथ 140 की स्पीड वाले मीटर है। नंबर 2, नंबर 3 इसमें सोफा सीट्स हैं। सही, नंबर 4 इसमें जो साइड मिरर है वो रिट्रैक्टेबल है। ठीक है, नंबर 5 इसके जो फर्स्ट डोर के मिरर है और पीछे वाले डोर के मिरर है वो सारे ऑटो है। सही, पीछे सोफा सीट्स लगी हुई है जो बहुत ज्यादा कम्फर्टेबल है। सही, और उसके साथ सीट्स के नीचे हीटर की एडजस्टमेंट है, तो इसको हम फुल ऑप्शन गाड़ी इसलिए बोलते हैं कि इससे नेक्स्ट वाला कोई भी वेरिएंट नहीं है। बिल्कुल सही। और इसकी माइलेज कितनी है? इसकी माइलेज इस वक्त है 54,000 किलोमीटर। और ये नंबर कहाँ का लगा हुआ है? ये अप्लाइड फॉर गाड़ी है। अप्लाइड फॉर गाड़ी है, बिल्कुल सही। 14 मॉडल अप्लाइड फॉर, 20 की इम्पोर्ट है। ये 20 की, 14 मॉडल है, 20 की इम्पोर्ट है, अप्लाइड फॉर गाड़ी है। और 50,000 बताया जी, 54,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है। आइए हम लोग ये गाड़ी चेक करते हैं, गाड़ी की हालत क्या है, उसके बाद जानते हैं इसकी प्राइस क्या है। तो चलिए पहले देखते हैं गाड़ी की हालत क्या है जी। सबसे पहले आप लोग मीटर देख लें, 53,265 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है आप लोगों के सामने है। और इस साइड से अगर डैशबोर्ड आपको दिखाऊं तो डैशबोर्ड की हालत देख लें, बहुत ही शानदार कंडीशन में इसका डैशबोर्ड मौजूद है, ये आप लोगों के सामने है, ये आप लोग देख लें। उसके अलावा अगर एसी की बात करूं तो एसी बहुत ही शानदार कंडीशन में चल रहा है, बहुत आला और बहुत अच्छी जो इसकी परफॉर्मेंस है एसी की, मैं एसी की परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा मुतमिन हूं। और इसकी जो तो गाड़ी है चलने में मैनुअल है, ये इसकी ट्रांसमिशन आपको मैनुअल मिलने वाली है। अगर आप इसकी सेम ऑप्शन में 15 मॉडल में गाड़ी उठाते हैं तो वो आपको कम अज कम 17,25,000 रुपए की मिलेगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ये गाड़ी ले लें तो उससे बहुत बेहतर है, मतलब मॉडल का फर्क है लेकिन गाड़ी बहुत बेहतर है उससे। ठीक है, इस साइड से अगर आपको मैं इसके दिखाऊं कंट्रोल्स की बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको चाइल्ड लॉक मिल जाता है, उसके बाद दोनों जो है इसके पावर विंडोज हैं, अगले भी और पिछले भी। यहाँ पे आपको इसका ऑटो आपको पावर विंडो मिलता है और रिट्रैक्टेबल मिरर मिलते हैं आपको यहाँ पर, यहाँ से आप मिरर को खोल भी सकते हैं और मिरर को बंद भी कर सकते हैं। सो उसके अलावा आप यहाँ से राइट और लेफ्ट सेलेक्ट करके ऊपर नीचे मिरर की जो है वो चेंजिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने राइट किया हुआ है तो अभी मैं इसको अगर खोलता हूँ तो ये जरा देखिएगा आप लोग, ये देखिए मैं डाउन कर रहा हूँ, इसको डाउन कर रहा हूँ, डाउन कर रहा हूँ, डाउन कर रहा हूँ, और इस साइड पर भी करना चाहूँगा मैं, क्लोज करना चाहूँगा साथ में क्लोज भी कर सकता हूँ, उसको इतना ही क्लोज होगा वो। अगर बंद करना चाह रहा हूँ तो इसको यूं मैं बंद कर सकता हूँ ये वाला बटन से। ठीक है जी, तो ये इसकी जो है कुछ फंक्शंस है, फंक्शनलिटी है। सामने अगर छत की बात करें तो छत आप लोग देख लें, ये कंडीशन है इसके छत की, ये आप लोग के सामने। लाइट की बात करें तो लाइट बहुत ही चल रही है कमाल की, ये आप लोग देख लें। और इस साइड से छत देख लें आप, ये हालत है इसके छत की। मैनुअल गियर में गाड़ी मौजूद है, बहुत शानदार, बहुत अच्छी लुक और फुल जैन। बहुत सारे लोगों ने कहा हुआ था कि फुल जैन गाड़ी लेके आए, मैनुअल फुल जैन गाड़ी लेके आए, तो हम लोग आज ले आए आपके लिए फुल जैन मैनुअल गाड़ी। और नीचे से अगर कारपेट की बात करें तो कारपेट भी आप लोग देख लें, ये कंडीशन है इसके कारपेट की, ये हालत है, ये आप लोग के सामने है। और इस साइड से कारपेट आप लोग देख लें, ये मेरा पाँव लगा है अभी गंदा हुआ है, उसके अलावा बिल्कुल साफ सुथरा कारपेट है, ये आप लोग देख लें। इस साइड से अगर हम लोग बात करें इसकी सीट की, तो सीट आप लोग देख लें, ये कंडीशन है इसकी सीट की, ये आप लोगों के सामने है, ये आप लोग देख लें। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है वो
आर्म रेस्ट आर्म मिल जाता है यहाँ पे, आप इसको नीचे करके यहाँ पे जो है गाड़ी को चला सकते हैं या गियर की चेंजिंग कर सकते हैं यहाँ पे हाथ रख के बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टीरियो मिल जाता है, स्टीरियो आप लोग देख लें। आइए हम लोग दरम्यान में चलते हैं और जानते हैं गाड़ी की दरम्यान से हालत क्या है। जी आप लोग नीचे से इंजन की हालत भी देख लें, बिल्कुल नई हालत है इंजन, ये आप देख लें, ये कंडीशन है इसके इंजन की, ये आप लोग के सामने है, ठीक है जी। ये इसका फ्यूल टैंक का बटन, ठीक है, खोल के आप लोग इसको खोल सकते हैं और ये कुछ इस तरह से काम करेगा। जी हम लोग आ चुके हैं गाड़ी के दरमियान में और सबसे पहले आपको नीचे से क्लीन दिखाता हूँ, उसका क्लीन आप लोग देख लें, ये कंडीशन है क्लीन की, कारपेट की ये हालत है, ये आप लोगों के सामने है। और इस साइड से अगर सीट की बात करूँ तो पिछले भी इसकी सोफा सीट मौजूद है, फ्रंट पे भी और बैक पे भी इसकी सोफा सीट मौजूद है, फुल ऑप्शन में ये गाड़ी आती है। और अगर सामने से आपको छत दिखाऊँ तो छत की हालत आप लोग देख लें, ये कंडीशन है इसकी छत की, बहुत ही कमाल की कंडीशन है इसकी छत की, ये आप लोगों के सामने है, ये आप लोग छत देख लें। और अगर मैं आपको लाइट चला के दिखाऊं तो लाइट चल रही है बहुत ही कमाल की, ये आप लोग देख लें इस कंडीशन में ये मौजूद है। और पीछे से आप लोग देख लें ये कंडीशन है इसके कारपेट की पिछले की, बहुत वेल कंडीशन है, 100% जेन्युइन कंडीशन में गाड़ी मौजूद है, बिल्कुल साफ सुथरी हालत में। और यहाँ से आप इसके विंडोज जो है वो पावर है, पिछले भी आप लोग ऊपर नीचे इसको भी कर सकते हो। और सबसे जो खास बात है इसकी वो ये है कि यहाँ से अगर आप लोगों को यहाँ पे चार ब्लोअर भी मिलेंगे सर्दियों में आप चलाना चाह रहे हो तो यहाँ पे आपको ब्लोअर्स मिलेंगे, जो कि आपको पिछली भी सीट जो है हीटेड सीट्स हैं, दरमियान में दो फिर लास्ट पे एक, एक इस तरह से काम करती है। जी मैं आ चुका हूँ गाड़ी के बाहर और नीचे सबको दिखाता हूँ, ये हालत है इसकी लाइट की, ये आप लोगों के सामने है। और यहाँ से आप लोग लाइट देख लें, ये कंडीशन है इसकी लाइट की, बम्पर की हालत आप लोग देख लें, ये कंडीशन है इसके बम्पर की, ये आप लोगों के सामने है। यहाँ से लाइट देख लें, ये कह रहा था पूरा का पूरा को व्यू दिखाऊं गाड़ी का, तो ये व्यू है इस पूरी की पूरी गाड़ी का। और ये आप लोग देख लें, और इस साइड से टायर दिखाऊं आपको, वो टायर भी आप लोग देख लें, ये कंडीशन है इसके टायर की, ये टायर है राइट साइड का पिछला टायर है, ये आप लोगों के सामने है, ठीक है जी। और इस साइड से आपको मैं अगर दरवाज़ा दिखाऊँ, दरवाज़ा देख लें, पिछले रेयर डोर देख लें, बिल्कुल साफ सुथरा रेयर डोर है, इसी आप लोग देख लें। और ये आप लोग देख लें, अगर ड्राइवर डोर की बात करें तो ड्राइवर डोर भी आप लोग देख लें, ये कंडीशन है इसके ड्राइवर डोर की, यहाँ से पेंट उतरा हुआ, ये आप लोगों के सामने है। और उसके अलावा ड्राइवर डोर देख लें, ये हालत है इसके ड्राइवर डोर की, ये आप लोगों के सामने है, ठीक है। इस साइड से अगर फेंडर की बात करें तो फेंडर भी आप लोग देख लें, ये कंडीशन है इसके फेंडर की, ये आप लोगों के सामने है। और नीचे से अगर टायर की बात करें तो टायर भी आप लोग देख लें, ये कंडीशन इसके टायर की, ये आप लोगों के सामने है, ये राइट साइड का अगला टायर है। और अगर फ्रेंड्स आपको लाइट दिखाऊं तो लाइट की हालत आप लोग देख लें, बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में इसकी लाइट मौजूद है, ये आप लोग देख लें। और नीचे से अगर बम्पर देखें, यहाँ से थोड़ा सा जो है इसको रिपेयर किया गया है बम्पर को, ये आप लोग देख लें, नीचे से बम्पर देख लें, लाइट पर गाड़ी है, ये कंडीशन है इसकी। और इस साइड से अगर आपको मैं इसकी लाइट दिखाऊं तो लाइट आप लोग देख लें, बहुत ही जेन्युइन हालत में मौजूद है, पूरा का पूरी गाड़ी का अगर व्यू दिखाऊं तो पूरी की पूरी गाड़ी का ये व्यू है, ये आप लोग देख लें, सही है जी। इस साइड से अगर आपको मैं टायर दिखाऊं तो टायर आप लोग देख लें, अगला टायर है ये लेफ्ट साइड का, अगला टायर है ये आप लोग के सामने है, ये आप लोग देख लें, ये लेफ्ट साइड का अगला टायर है, ये देख लें आप लोग। इस साइड से अगर फेंडर दिखाऊंगा तो फेंडर भी आप लोग देख लें, ये हालत है फेंडर की, ये आप लोग देख लें। और इस साइड से आपको मैं अगर दिखाऊं तो ये हालत है इसके अगले दरवाजे की, ये आप देख लें, यहाँ पे एक निशान मौजूद है, उसके अलावा यहाँ पे शीशे के ये मिरर पे जो है वो निशान मौजूद है, ये आप लोग देख लें। और आपको गाड़ी की सीलें दिखाऊं तो गाड़ी में कमाल सीलों में मौजूद है, ये आप लोग देख लें, ये इसके सीलों की कंडीशन है, गाड़ी बिल्कुल सीलों में मौजूद है। और इस साइड से अगर आपको मैं इसका रेयर डोर दिखाऊं तो रेयर डोर आप देख लें, लेफ्ट साइड का रेयर डोर, ये कंडीशन है इसकी रेयर डोर की, ऑलमोस्ट जेन्युइन हालत में मौजूद है, ये आप लोग देख लें। और इस साइड से अगर टायर दिखाऊंगा तो टायर की हालत देख लें, ये कंडीशन है, टायरों की हालत काफ़ी अच्छी है, पूरी की पूरी गाड़ी में चारों टायर बहुत अच्छी कंडीशन में मौजूद है। जी गाड़ी आपने देखी है, जानी है, सारी की सारी 14 मॉडल है, 20 की इंपोर्ट है, बिल्कुल फ्रेश गाड़ी है, बहुत शानदार, बहुत ही अच्छी लुक में गाड़ी मौजूद है, जेन्युइन हालत में गाड़ी मौजूद है, जेन्युइन एयरबैग के साथ,
सर इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत है फुल एंड फाइनल अपने व्यूज के लिए 16 लाख रुपए। 16 लाख रुपए। सो आप लोग अगर आपको गाड़ी पसंद है तो मुझे रापता कर सकते हैं 0347-562-5697 पर, और रापता करके इस गाड़ी को अपने नाम करवा सकते हैं। अगेन नंबर रिपीट कर रहा हूँ 0347-562-5697। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आई होप आपकी गाड़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। सो खुश रहे, सलामत रहे, जीते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। बहुत सारी दुआएं निकलते मैंने आपके लिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।